हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको हम क्वालिफाई करें। स्पेशली हम यहाँ पे फिजिक्स पोर्शन की आज बात करेंगे कि कैसे हम फिजिक्स के पोर्शन को हम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके क्वेश्चंस को हम बहुत डीपली जाके समझ सकते हैं। तो देखिए, एज ए टीचर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं फिजिक्स पोर्शन में, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन क्वेश्चंस के एक तरीके से सभी पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कुछ अगर उनके क्वेश्चंस सही भी होते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन के क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। इससे क्या होता है, अल्टीमेट कोई भी फायदा नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या होंगे, कम होंगे। तो मैं यहाँ पे एक आपको सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कुछ बातों का बहुत ही ध्यान रखना है आपको। जैसे कि सबसे फर्स्ट बात यह है कि आपने 11th और 12th दो साल जब आपने पढ़ाई की है तो उन दो साल में आपको ये देखना है कि आपको दोनों क्लासेस में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से इंटरेस्टिंग लगे और आपको उसमें काफी चीजें समझ में आती हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी चीज ये है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि एग्जाम में किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा होता है, आपको काफी हद तक उसी पर ही फोकस करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको खाली एक हिंट ये देने आया हूँ कि अगर मान लेते हैं आप जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं और आपको फिजिक्स पोर्शन उसको अच्छे से क्रैक करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ चैप्टर्स का डिस्कशन करूंगा जिससे उम्मीद करता हूँ कि आप वो चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे और आपको काफी फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के सिलेबस की। अब देखिए, क्लास 12th में आपको पता है कि हमारा जो भी एग्जाम होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और काफी इजी होता है और इम्पोर्टेंट बहुत है। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको सबसे पहले फोकस करना होगा मॉडर्न फिजिक्स पे। अब देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। इनमें से एक चैप्टर हमारा होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके अलावा आप देखेंगे एटम एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, ठीक है, ये हमारे जो चैप्टर्स हैं ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में कवर होते हैं। तो कन्फर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इससे मिलेंगे और बहुत आसानी से आप इसको कर भी सकते हैं। तो इतना अगर आप देख लेंगे तो ये आपको काफी फायदा करेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि लास्ट के 5 इयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप, और जो आपने पढ़ा हुआ है इस एक तरीके से चैप्टर में उसके ऊपर रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के बाद, तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमको यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स आप कवर कर सकते हैं क्योंकि सिंगल चैप्टर होता है और मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वेव ऑप्टिक्स को कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे 2 या 3 डेज में कवर हो सकता है, तो मॉडर्न फिजिक्स के बाद आप वेव ऑप्टिक्स कवर कर लीजिए तो 1 और 2 क्वेश्चन आपको इससे कन्फर्म में डेफिनेटली मिलेंगे। और थर्ड यहाँ पे मैं बात करूंगा जो आपका है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से ईजी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप अगर देखेंगे तो देखिए, इसमें किरचॉफ्स लॉज देख लीजिए एक बार, किरचॉफ्स लॉज को अप्लाई करना अगर आपको आ गया तो काफी हेल्प मिलेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किरचॉफ लॉज अगर अप्लाई करेंगे आप तो उसका फायदा हमें कहाँ होगा, कैपेसिटेंस में होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक में हमको कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 2 चीजें को कवर करनी है। तो अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास 12th के सिलेबस से अगर आप आई थिंक मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस बात आइए बात करते हैं क्लास 11 के सिलेबस की, ठीक है। तो अब देखिए, 11 के सिलेबस में कह सकते हैं कि एक तरीके से काफी बड़ा सिलेबस है और टफ भी है। तो देखिए, इसमें से क्या करना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले आप देखिएगा कि जो भी हमारे एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ठीक है, स्क्रू गेज है और एक तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये चीजें आप अगर देखेंगे बहुत ईजी लेसन होगा फर्स्ट लेसन, और इससे 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एरर पे बेस्ड, एक ये आप कवर कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरा हमारी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक तरीके से हीट, ठीक है, हीट आपका जो यूनिट है स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में एक तरीके से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और भी कुछ कुछ जो प्रीवियस क्वेश्चन आप पूछे गए वो एक बार देख लीजिए आप, ये आपके लिए काफी हेल्प करेगा। और एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन, तो ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 11 फिजिक्स, बट अगर आपको इसको अच्छे से तरीके से अगर आपने नॉलेज लिया हुआ है तो काफी अच्छे से इसको भी कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आप सजेस्ट करूंगा कि आप हीट एक तरीके से यूनिट उठा सकते हैं और स्टार्टिंग में एक इंस्ट्रूमेंटल फिजिक्स ले सकते हैं और यहाँ पे रोटेशनल एक तरीके से और लास्ट में वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर काफी इंपॉर्टेंट है और आप आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करूंगा कि अगर आपने 11th और 12th दोनों एक तरीके से क्लासेस से 30 में से 10+ अगर क्वेश्चन स्कोर किए तो आई थिंक बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे और अकेले फिक्स में आपको 50+ मार्क्स मिनिमम आपको गेन हो सकते हैं। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो एक तरीके से जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है कि वो जेई मेन क्रैक कर सकते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज इन चीजों को पहले फोकस करिए। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, आपने जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वो कर सकते हैं। और ये सिर्फ केवल जेई मेन्स वालों के लिए नहीं है, जेई नीट वालों के लिए भी है, सॉरी नीट वालों के लिए भी, और पीटी का जो एग्जाम देने की एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो मेरा वीडियो है ये आपको काफी हिंट देगा कि कैसे हम तैयारी करें। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आपके जो भी सवाल हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत।